नमस्कार दोस्त, इस प्रोग्राम में हम बताने जा रहे हैं एस्टेरियाज रूबेंस दवा के बारे में। एस्टेरियाज रूबेंस स्टार नाम की एक मछली को जीवित अवस्था में काट कर उससे मूल अर्क तैयार होता है इस दवा का। जो व्यक्ति मोटे हैं, फुलतुले हैं और जिनकी साइकोटिक प्रमेह भी दूषित जड़ित प्रकृति है, उन पर इसकी क्रिया बहुत जल्द प्रकट होती है। मोटे और फुलतुले आदमी पर इसकी क्रिया बहुत तेज प्रकट होती है। स्नायु संबंधी कई रोग, हिस्टीरिया, स्नायु सूर, कोरिया, टांडव रोग इत्यादि कुछ बीमारियों में यह विशेष फायदा करती है। इसमें शरीर की बाई तरफ रोग का हमला अधिक होता है। स्तन का कैंसर, किसी किसी का मत यह भी है कि यह दवा सिर्फ स्तन ही क्यों बल्कि सभी स्थानों के कैंसर की उपयुक्त औषधि है। फेफड़ा लावा और रोडियम भी दवा इसमें यूज की जाती है। कैंसर एक दुरारोग्य व्याधि है तो इसमें इन सब दवाओं का यूज होता है। प्रधान चरित्रकरण लक्षण, मामूली बात से चिढ़ना या उत्तेजित हो जाना, माथा इतना गर्म रहना जैसे उस पर आग रखी हो, मस्तिष्क में रक्त की अधिकता, सिर दर्द सवेरे आरंभ होता है, दिन में नहीं रहता, फिर शाम को आरंभ होता है, स्तन का कैंसर, उसमें खोचा मारने जैसा दर्द, ऋतु के पहले स्तन फूल जाते हैं, चलने के समय पैर ठीक ठिकाने नहीं पड़ते, मानो पेशियां रोगी की इच्छानुसार कार्य नहीं कर रही हैं, मृगी का दौरा आरंभ होने से 4-5 दिन पहले ही समूचा शरीर फड़फड़ाने लगता है तो उसमें भी ये दवा काम करती है। जोर का कब्ज, पखाना लगता है किंतु पखाना जाने पर होता नहीं, मल कड़ा और गेंद की तरह गोल, अतिसार, बहुत झोंक से पतले दस्त, स्त्रियों की बहुत अधिक कामेच्छा होना, बाएं हाथ व उंगलियों का सुन्नपन इत्यादि बीमारियों में यह दवा काम करेगी। वक्ष स्थल की बीमारी, छाती की बाईं ओर और बाएं हाथ में स्नायु सूल का दर्द, वक्ष होस्थि नीचे और हथपिंड के स्थान पर पेशी में दर्द, बाया हाथ ऐसा मालूम होना जैसे भीतर की ओर तना और खींचा हुआ है, बाएं हाथ का दर्द हाथ के भीतरी भाग से अंगुली के भाग तक चला जाता है, बाया हाथ और अंगुलियां सुन्न पड़ जाती हैं, स्तन का कैंसर और घाव और उसमें तेज दर्द, बगल की गांठ फूल उठती है तथा कड़ी और ढेले की तरह हो जाती है। कब्ज, दुरारोग्य कब्ज, मल का कड़ापन, मल कड़ा गांठ गांठ, तो ये दवा काम करेगी। स्नायवी रोग, चलने के समय इच्छानुसार चल नहीं सकना, पेशियों का इच्छानुसार कार्य नहीं करना, अपनी इच्छा अनुसार हाथ पैर घुमा नहीं सकना, तो भी ये दवा काम करेगी। स्त्री रोग, मासिक ऋतु स्त्राव आरंभ होते ही सूल का दर्द और अन्य सभी उपसर्ग घट जाते हैं। लेकेसिस दवा में भी ऐसा लक्षण पाया जाता है, लेकिन लेकेसिस में कमजोर और दुबले पतले लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है और ये मोटे और फुलफुले लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों, इसकी 3, 6 और 200 शक्ति यूज कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इसका फायदा ले सकते हैं। इसमें मिर्गी के मामले में दौरा पड़ने के 4-5 दिन पहले से पेशियां फड़कने लगती हैं, ऐसे मिर्गी के पेशेंट को दे सकते हैं। तो मिलते हैं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में।